कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुरक्षा में शिवपुरी हवाई पट्टी पर भारी चूक देखने को मिली। चुनावी अभियान के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी में पार्टी प्रत्याशी सिद्धार्थ लाडा के लिए रोड शो करने आए थे। इस दौरान जब उनका हेलीकॉप्टर शिवपुरी हवाई पट्टी पर उतरा तो वहां जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं किए गए थे। सिंधिया जिस हेलीकॉप्टर से हवाई पट्टी पर उतरे थे उनके पास बच्चे पहुंच गए और हेलीकॉप्टर को छूकर उससे खेलते हुए नजर आए। इस दौरान पायलट ने बच्चों को दूर भगाने की कोशिश की लेकिन बच्चे नहीं माने। थोड़ी देर बाद वहां तमाम लोग इकट्ठा हो गए और सेल्फी भी लेने लगे। वैसे आचार संहिता के दौरान नियम यह है कि जिला प्रशासन की ओर से किसी भी दल के व्यक्ति के लिए हेलीकॉप्टर चार्ज के रूप में निर्धारित राशि की रसीद कटती है। इसके बाद प्रशासन फायर ब्रिगेड और पुलिस कर्मियों को वहां सुरक्षा के लिए तैनात करवाता है, लेकिन सिंधिया के आगमन के दौरान दोनों ही व्यवस्था वहां मौजूद नहीं थी। इस पर कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है और सुरक्षा में हुई इस लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की। उन्होंने हेलीपैड के लिए रसीद कटवाई होगी, पर सुरक्षा के लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो कैटेगरीज जो सुरक्षाएं प्रदाय की गई है उसके हिसाब से हम पूरी व्यवस्था लगाई। कलाक जी का जेड कैटेगरी है, माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री वो जेड स्पेशल में है, कैटेगरी होगी उस पर लगेगा। तो यदि कैटेगरी नहीं होगी तो मैं फोर्स नहीं दे पाऊंगा।